नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनीता आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे शाही फोड़नी चैनल में। बहुत दिनों के बाद या बहुत महीनों के बाद मैं मेरा वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि कुछ कारण है जो कारण मैं यहाँ नहीं बताना चाहती हूँ। तो बिना कारण बताए हम शुरू करते हैं दिवाली स्पेशल में। आज हम बनाएंगे मूंग दाल रिबन मुरको, साउथ इंडियन स्पेशल डिश है, दिवाली में जरूर ट्राई करिए। तो आइए शुरू करते हैं रेसिपी मूंग दाल रिबन मुरको। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है फ्रेंड्स, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाइए। एक कुकर लीजिए, कुकर में डालिए ये मूंग दाल है, धुली हुई मूंग दाल। एक कटोरी मैंने दाल लिया है, दाल को मैंने 2-3 बार धो लिया। दाल को डालिए कुकर में और इसमें पानी डालिए कम से कम 3 से 4 कटोरी। जिस कटोरी से हमने दाल लिया था उसी कटोरी से हमें पानी डालना है। 3-4 कटोरी पानी डालकर इसका ढक्कन लगा के मीडियम आंच में इसकी 4 से 5 व्हिसल कर दीजिए। मूंग दाल अच्छी तरह से गलनी चाहिए। गैस पर मैं कुकर रख देती हूँ। कुकर के मैंने 4 व्हिसल लिए हैं। 4 व्हिसल होने के बाद में मैंने गैस ऑफ कर दिया। हल्का सा ठंडा होने के बाद कुकर को खोल दिया है। हमारी दाल अच्छी सी पक गई है। अब इस दाल को हमें मिक्सर में से निकालना है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो हैंड ब्लेंडर में भी आप इसे अच्छे से बारीक कर सकते हो। 1-1.5 मिनट इसे मिक्सी में से मैंने निकाल लिया है। इसे रखते हैं साइड में। अब एक तड़का पैन लेके मैं इसमें 1.5 चम्मच घी गरम करती हूँ। 1 से 1.5 चम्मच घी को हमें अच्छे से गरम करना है। एक बर्तन लीजिए, बर्तन में रखिए छन्नी, छन्नी में डालिए 4 कटोरी चावल का आटा। ये 4 कटोरी चावल का आटा लिया है। चावल का आटा जो है मार्केट का है, घर का नहीं है। इसे अच्छे से छान लेना है। अब इसमें डालते हैं लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, अजवाइन हाथ में लेके इसे मसल के इसमें डालना है। अब डालते हैं तिल, थोड़े से सफ़ेद तिल मैंने इसमें डाल दिया। अब डालते हैं नमक स्वादानुसार। अब इसमें डालते हैं जो घी हमने गरम करने रखा था। घी अच्छा से गरम होना चाहिए, घी इसमें डाल दीजिए। चम्मच की सहायता से इसे मिक्स करते हैं। 1-1.5 मिनट पहले चम्मच से हम लोग मिक्स कर लेते हैं, फिर हाथ से इसे अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करके हम लोग देखना है कि इसका एक लड्डू बन जाना चाहिए। अगर हाथ में लेके इसे दबाएंगे तो एक अच्छे से लड्डू के जैसे इसे शेप आना चाहिए, इस तरह से। इस तरह से होने के बाद में हम लोग इसमें डालते हैं जो दाल हमने मिक्सर में से निकाल लिया है। हल्का सा गुनगुना पानी भी साइड में रख दीजिए। थोड़ा थोड़े करके दाल इसमें डालना है और गूंथते जाना है। एक साथ आप दाल डालेंगे तो ये पतला होने के चांसेस होते, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके इसे मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बहुत सख्त हुआ है तो हल्का सा आप गुनगुना पानी इसमें डाल सकते हो। एक साथ में पूरा पानी या पूरा दाल इसमें डालना नहीं है। पानी अगर आवश्यकता है तो ही गुनगुना पानी थोड़ा सा इसमें डालना है। अगर पूरे दाल में ही आटा गूंध जाता है तो पानी की आवश्यकता नहीं है। ये आटा जो है हम लोग बना रहे हैं रिबन का आटा, इसे कम से कम हमको 4 से 5 मिनट अच्छे से गूंदना है। 4-5 मिनट मैं इसे गूंद लेती हूँ। मैंने थोड़ा सा पानी इसमें 1-2 बार चम्मच की सहायता से इसमें डाला है। बहुत ज़्यादा सख्त या बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। जिस तरह से हम ज्वार का रोटी या बाजरे का रोटी बनाते हैं उसी तरह से ये आटा होना चाहिए। अच्छे से मिक्स करके एक गोला बना के इसको हम ढक के रखते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद इसे खोलना है। ये देखिए, ये मेरे पास साँचा है, जो रिबन हम बना रहे हैं उसका साँचा मेरे पास है। इसके 2 प्लेट है, एक बड़ा और एक छोटा वाला, पतला वाला। पहले मैं पतले वाले साँचे से बता दूँ, फिर मोटा वाला जाड़ा जो रिबन बनेगा वो मैं आपको दिखा। साँचे को अंदर से तेल या घी लगाने के बाद जो हमने आटा गूंद के रखा है वो मैंने इसमें भर लिया है। तेल मेरा यहाँ पे गरम हुआ है। ये जो पतले वाले रिबन्स हैं मुरको, ये मैं पहले डाल के आपको बताती हूँ। आप आगे भी देखना, मैं मोटे वाले भी मुरको आपको दिखाती हूँ। ये पतले वाले थोड़े से मेरे घर में पसंद है, इसलिए ये अच्छे लगते हैं। इसलिए मैं पहले शुरू में आपको पतला वाला दिखाती हूँ, बाद में मैं आपको इसका ही इसी आटे से मोटा वाला रिबन भी मैं आपको दिखाऊंगी। 1-2 बार इसे पलटना है। पहली दफ़ा जब हम डालते हैं मुरकू तेल में, 1-1.5 मिनट छोड़ के ही इसे पलटना है और मीडियम आँच में ही इसे तलना है। तेल गर्म होने के बाद में थोड़ा आँच कम कर दीजिए और मीडियम आँच में इसे 2-3 बार पलट के क्रिस्पी होने तक है। ये रेडी हो गया, मैंने इसे निकाल दिया है। एक पेपर नैपकिन में मैंने इसे निकाल दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मोटे वाले रिबिन मुरको
मैं आपको दिखाती हूँ। ये मार्केट में हमेशा मोटे वाले ही मिलते हैं, पतले वाले भी मिलते हैं, पर मोटे रिबिन ही ज़्यादा तो साउथ में मिलते हैं। सेम उसी तरह इसे भी दो तीन बार पलट के तल लेना है मीडियम आंच। मैंने इसका प्लेट बदला था, वो आपको दिखाया नहीं, मैं अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैं सिंगल लाइन वाला प्लेट इसमें डाला था साचे में, और उसी का ये मोटा वाला रिबिन बन गया है। आपको जैसे चाहिए वैसे आप ये रिबिन मुरकू बना सकते हो। अगर आपको पतले और थीन वाले चाहिए तो आप थीन वाले बनाइए, अगर आपको मोटे वाले पसंद है तो आप मोटे वाले बनाइए। ये बनाकर आप स्टोर करके रख सकते हो, ट्रैवल में फेस्टिवल में ये काम आता है। एक आध महीना ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता, और बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट मुरकू घर में हम बना सकते हैं। इसे बोलते हैं रिबन मुरकू। ये जो हमने बनाया है ये मूंग दाल रिबन मुरकू है। इसके पहले भी मेरे चैनल में मैंने दिवाली स्पेशल रेसिपीज डाला है, आप उस पर जाकर देख सकते हो। ये मैंने सब तल के निकाल दिया है, छोटे बड़े रिबन्स मेरे बन के रेडी है। उसी तेल में मैं डाल रही हूँ हल्का सा करी पत्ता। करी पत्ता ऑप्शन है, पर साउथ में करी पत्ता फ्लेवर बहुत पसंद करते हैं लोग, इसलिए मैंने थोड़ा सा करी पत्ता इसमें डाला। ये करी पत्ता मैं मोटे वाले मुरकों में और बारीक पतले वाले मुरकों में डाल रही हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। बिल्कुल इसमें तेल नहीं रहता है, बिल्कुल तेल नहीं है। देखिए मेरे हाथ में बिल्कुल तेल नहीं है। ये रेडी हो गए हमारे मूंग दाल रिबन मुरकू। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और मेरी रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।